उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये बड़ा रेल हादसा आगरा दिल्ली डाउन रेल रूट पर बुधवार रात को हुआ। मालगाड़ी कोयला लेकर आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी और घटना के बाद दोनों ओर रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। हादसे के समय मालगाड़ी के कई वैगन आपस में टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गए। इसकी वजह से मथुरा पलवल रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। रूट को क्लियर कराने का काम जारी है। एएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि दिल्ली जाने वाली एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिली थी। जिन डिब्बों में कोयला लदा हुआ था वो पटरी से उतरी है और सभी लोग मौके पर मौजूद है। रेलवे की टीम मामले की जाँच कर रही है और कोई जनहानि नहीं हुई। 9:09 बजे करीब में ये सूचना मिली थी कि एक जो मालगाड़ी ट्रेन है जो इधर जा रही थी, दिल्ली साइड में जा रही थी, उसका डिरेलमेंट हो गया है। तो उस पर सूचना पर तत्काल वहाँ जीआरपी के लोग, आरपीएफ, सिविल पुलिस की पहुंची थी। इसमें पूरा जो डिब्बा है वो इंटेक्ट है और उसका गार्ड के जो डिब्बा है वो इंटेक्ट, बीच के जो डिब्बे हैं तो उसमें कोयला लगा हुआ था, वो डिरेलमेंट हुआ है। बाकी सभी लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कोई यहाँ पर और कोई बात है नहीं। बाकी सभी की टीम ने इसमें कार्रवाई की।